तहसील तौसा में सैलाबी सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ इमदादी टीमें, फाउंडेशनें और ट्रस्ट मुतासरीन के साथ तआवुन में पेश हैं। वहीं मुल्तान जामिया खैरुल मदारिस से उलमा की जमात मुतासर इलाकों में पहुंची, जिसमें मौलाना कारी हनीफ जलंदरी के साहबजादे मौलाना अहमद हनीफ, नाजिम तालीम मौलाना शमशाद साहब, नाजिम मालियात मौलाना अब्दुल हनान साहब और दीगर उलमा कराम ने मुतासरीन में नकदी और राशन तकसीम किया। वाहवा जामिया दारुस्सलाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद हनीफ साहब का कहना था कि सैलाब मुतासरीन के साथ हर मुमकिन तआवुन किया जाएगा। बाद अज़ां मुफ्ती रहनवाज साहब के मदरसे जामिया दारुस्सलाम में होने वाले नुकसान पर दुख का इजहार किया और मुखय्यर हजरात से तआवुन की अपील भी की। मोहतमिम मदरसा मुफ्ती रहनवाज साहब का कहना था कि सैलाबी रेलों से जामिया का तकरीबन 12 से 13 लाख का नुकसान हुआ, जिसमें तहसील की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी मुतासर हुई।